सो मार्वल डिज्नी प्लस का एक और पॉइंटलेस शो आखिरकार खत्म हो गया। सीक्रेट इन्वेजन का एपिसोड 6 फाइनली आउट हो गया है और इस एपिसोड के अंदर ये शो कुछ भी अचीव नहीं करता है। इस शो के एंडिंग में हमें ये बताया जाता है कि स्क्रल्स और ह्यूमंस के बीच का सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गया है और इस शो ने बिल्कुल कुछ भी फिक्स नहीं किया है। इसके अलावा इस शो के एंड में हमें ये बताया जाता है कि गाया बेसिकली अब एमसीयू की वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बींग्स बन गई है जो कि एक सुपर स्क्रल है। गाया के पास इस समय कैप्टन मार्वल, मेंटिस, फ्रॉस्ट जायंट्स और नहीं पता कितने एलियन स्पीसीज के पावर्स हैं। और इस समय गाया ओलिविया कॉलमैन के सोनिया वाले कैरेक्टर के लिए काम कर रही है। फ्यूचर में जाके गाया और सोनिया का एक काफी बड़ा रोल हो सकता है मूवीज लाइक फैंटास्टिक फोर के अंदर, और आई थिंक गाया को डेफिनेटली मार्वल फ्यूचर मूवीज में यूज करेगी क्योंकि गाया इस समय एमसीयू की मोस्ट पावरफुल बींग्स में से एक है। इस एपिसोड के लास्ट में निक फ्यूरी हमें बताते हैं कि क्री स्क्रल्स के साथ एक पीस ट्रीटी साइन करना चाहते हैं। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, बेसिकली क्री के प्लैनेट से ही स्क्रल्स कैप्टन मार्वल की मूवी में अर्थ पे आए थे और अब इस एपिसोड में हमें बताया गया कि क्री स्क्रल्स के साथ पीस ट्रीटी साइन करना चाहती है जिसके बारे में शायद मोर इन्फॉर्मेशन हमें कैप्टन मार्वल 2 में देखने को मिलेगी। तो आई थिंक ये जो पॉइंट है ये हमें कैप्टन मार्वल 2 की मूवी में डायरेक्टली बताया जा सकता था और इस शो का कोई पॉइंट नहीं था। कैप्टन मार्वल 2 के अंदर ही गाया के करेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जा सकता था और सुपर स्क्रल्स को इंट्रोड्यूस किया जा सकता था जिससे मूवी शायद और इंटरेस्टिंग बन सकती थी। सो आई थिंक सीक्रेट विजन का कोई भी पॉइंट नहीं था और इस शो ने कुछ भी अकॉम्प्लिश नहीं किया है। ये शो काइंड ऑफ कैप्टन मार्वल 2 को सेटअप करता है, पर अगर आप इस शो को नहीं भी देखोगे तब भी आप कैप्टन मार्वल 2 आराम से देख पाओगे। सो अगर आपने सीक्रेट इन्वेजन अभी तक नहीं देखा है तो आप डेफिनेटली इस शो को स्किप कर सकते हो। मुझे तो इस शो में कुछ भी स्पेशल नहीं लगा। हाँ, इस शो के एक्टर्स ने हर एपिसोड के अंदर अपनी काफी जान डाली है और हर एक एक्टर ने काफी अच्छी एक्टिंग परफॉर्मेंसेस इस शो के अंदर प्रोवाइड की है, पर अगर हम उस एस्पेक्ट को छोड़ दें तो इस शो ने बिल्कुल भी कुछ भी अकॉम्प्लिश नहीं किया है। इस शो की शुरुआत से हमें पता था कि रोडी बेसिकली स्क्रल है और एपिसोड के लास्ट में जो स्क्रल रोडी रहता है वो मार जाता है बनिक फ्यूरी और असली रोडी को स्क्रल के प्रिजन से निकाल ले जाता है इस एपिसोड के लास्ट में। इस एपिसोड के एंडिंग को देखने से ऐसा लगता है कि रोडी को एज अ स्क्रल रिप्लेस कर दिया गया था आफ्टर कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर और एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर और एंड गेम के अंदर रोडी एक स्क्रल ही था। ये भी एक काफी बड़ा रिवील है, पर मुझे पर्सनली ये रिवील पॉइंटलेस लगा क्योंकि जो स्क्रल रोडी है वो कुछ ज्यादा अकॉम्प्लिश नहीं कर पाता है और इस सीरीज के एंड में स्क्रल रोडी भी मारा जाता है, तो ये कोई बहुत बड़ा रिवील नहीं था। पर हाँ, इस रिवील से जब आप एवेंजर्स एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर देखोगे और उन मूवीज के अंदर आप जब रोडी के सीन को देखोगे तो आपको थोड़ा सा अनइजी फील जरूर होगा। मार्वल ने इस शो के ऊपर अपेरेंटली 200 मिलियन से ज्यादा रुपए खर्च किए हैं और ये पैसे मार्वल ने कहाँ खर्च किए हैं ये कहना काफी मुश्किल है। इस सीरीज का सीजीआई भी उतना बेहतरीन नहीं है कि सीरीज पे 200 मिलियन डॉलर्स खर्च किए जाए। इसके अलावा मार्वल ने इस सीरीज को सीक्रेट इन्वेजन का नाम क्यों दिया है ये भी मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। सीक्रेट इन्वेजन के इवेंट्स कॉमिक्स के अंदर एक काफी बड़े इवेंट थे जो कि एक अवेंजर लेवल इवेंट थे, पर इस सीरीज को सीक्रेट इन्वेजन किसी भी एंगल से नहीं कहा जा सकता है और ये शो काइंड ऑफ एक निक फ्यूरी का शो था। अगर मार्वल इस शो को एज ए निक फ्यूरी शो प्रमोट करती तो मे बी मैं इस शो से इतना डिसअपॉइंट नहीं होता, पर सीक्रेट इन्वेजन के लेवल पे ये शो कहीं भी खड़ी नहीं होती है और ये शो डेफिनेटली एक डिसअपॉइंटमेंट है। आई थिंक मार्वल को नहीं पता है कि फैंस क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं मार्वल से और मार्वल सिर्फ अपने कॉमिक बुक के आईपीज को यूज कर रहा है अपने मीडिया को सोर्स को बेचने के लिए। सीक्रेट इन्वेजन की सीरीज को अभी बनाने की जरूरत क्या थी ये मुझे नहीं पता है। मे बी इस शो को सिर्फ कैप्टन मार्वल 2 को प्रमोट करने के लिए बनाया गया है जिसके कारण ये शो बिल्कुल ही पॉइंटलेस लगता है। इस शो को मल्टीवर्सल सागा में इंक्लूड करने की क्या जरूरत थी ये मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, और इस शो को मार्वल मे बी मल्टीवर्सल सागा के बाद बना सकती थी या फिर एक छोटा सा मिनी आर्क दे सकती थी मल्टीवर्सल सागा के बाद जहाँ पे स्क्रल्स का एक फुल ऑन इन्वेजन अर्थ के अंदर होता, पर मार्वल ने डेफिनेटली सीक्रेट इन्वेजन शो के साथ एक काफी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस किया है। अब देखते हैं कि कैप्टन मार्वल 2 के अंदर क्या होता है, क्या स्क्रल्स अर्थ पे ही रहते हैं या वो क्री पे वापस जाते हैं। बाकी अगर आपने सीक्रेट इन्वेजन का शो देखा है तो आपको ये शो ओवरऑल कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में लिखकर जाना ले। मुझे ये शो बिल्कुल पॉइंटलेस लगा और बिल्कुल पसंद नहीं आया है। आपको ये शो कैसा लगा ये मुझे कमेंट्स में लिखकर जाना ले। बाकी इस वीडियो को इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पहले बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि जब भी मैं इंटरेस्टिंग सुनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। एंड एज ऑलवेज थैंक्स फॉर वॉचिंग।